नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं रिव्यू गुरु। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या बिगड़ेगा आपका? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम जो भी नए रिव्यूज वीडियोज अपलोड करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखाई देंगे। तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट का मैं आपके सामने रिव्यू देने जा रहा हूँ उसका नाम है हिमालय हर्बल्स का प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन लोशन। नज़र डालते हैं इसकी पैकेजिंग पर, कैसी इसकी पैकिंग है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वाइट एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन में इसकी पैकिंग है। इसमें इसकी पूरी डिटेल दी गई है। ये हर्बल लोशन है तो इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं है। एंड इसमें इसके इंग्रेडिएंट एंड पूरी इसकी डिटेल दी गई है, कैसे इसको यूज़ करना है सब इसमें बताया गया है। एंड इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 110 रुपये। इसमें ये 50 ml इसकी बॉटल है, इसके अंदर 50 ml आपको क्वांटिटी मिलेगी इसकी। एंड 110 रुपये इसका मार्केट प्राइस है। ये आपकी जो सनबर्न होती है जिसे हम टैनिंग भी बोलते हैं, पहाड़ जब हम जाते हैं चाहे वो थोड़े समय के लिए जाएं चाहे ज़्यादा समय के लिए जाएं, तो जो सन यूवी किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, उनसे हमें हार्मफुल, हमारी बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, हमारे स्किन को हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। हमारी स्किन जो है वो काली हो जाती है एकदम से। आप जब भी बाहर से घर पर आते हैं तो अपनी स्किन को शेड आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप कुछ हैं और यहाँ से कुछ और, ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो उसे टैनिंग बोलते हैं। तो टैनिंग से राहत दिलाने के लिए ये सनस्क्रीम होती हैं। ये जो सनस्क्रीम है हिमालय हर्बल्स की ओर से, ये इसमें SPF 15 मिला हुआ है। बट रिकमेंड मैं ये करूँगा कि अगर SPF 30 और मोर देन 30 हो तो उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। ये जो है स्क्रीन में SPF 15 है तो इतना ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बात करें इसकी तो ये जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये UVA UVB किरणों से आपको प्रोटेक्ट करता है। जो सूर्य की हार्मफुल किरणें होती हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड आपको जो टैनिंग की समस्या होती है, खासकर लड़कों को ज़्यादातर होती है, मुझे पता है कि टैनिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैं SPF 30 और 30 मोर देन 30 का ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। इसकी अगर बात करें तो ये बॉडी को, स्किन को नरिशमेंट भी करता है, नरिश कर देता है। एंड मॉइस्चराइज़र की तरह भी ये काम करता है। अगर आप इसको लगाते हैं अपनी बॉडी पर बाहर निकलने से पहले, अगर आप इसको अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा और ये भी यही सलाह देता है, कोई भी अगर आपकी कोई सनस्क्रीन है उसको लगाने के बाद आप 10 से 15 मिनट बाद ही घर से बाहर निकलें, तभी उसका असर होता है। अदरवाइज़ वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपको। आपको प्रॉब्लम जो सन से होती है, टैनिंग की प्रॉब्लम, वो आपको हो सकती है। तो 10-15 मिनट पहले इसको लगाएं, उसके बाद 10-15 मिनट बाद ही घर से बाहर निकलें, ये भी यही बोलता है। एंड बाकी सनस्क्रीन जो होती हैं वो भी ऐसा ही आपको निर्देश देती हैं, इंडिकेशन देती हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ, इसको मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए दोस्तों, 50 ml की ये बॉटल है। स्क्रीन पर आपकी आप देख सकते हैं, इसका ग्रीन कलर का इसका ढक्कन है। इसमें डिटेल्स सारी दी गई हैं, जो बाहर डिटेल दी गई थी इसकी वो सारी इसमें बताया गया है। इसकी डिटेल पूरी आपको मिल जाएगी जब आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसके बारे में आप पढ़ सकेंगे। मैं यहाँ पर आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सनस्क्रीन क्या होती है एंड जो सनबर्न होता है उससे कैसे राहत मिल सकती है हमें। इसकी ये अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपको जब आप अप्लाई करते हैं तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा है इसकी। एंड कुछ कुछ बोल सकता हूँ कि मैं ये स्वेट ऑयली कह सकते हैं, ऑयली होता है। तो जो ज़्यादा ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
मैं यही कहूँगा कि ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा ये और ज़्यादा ऑयली कर देगा। ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए बेस्ट है, विंटर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है फिर भी आप विंटर में इसको यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट समर्स में जो ज़्यादा ऑयली स्किन वाले हैं वो इसका अगर यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा, इसीलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये फ्लिपटॉप, इसका ढक्कन है, लीकेज होने का कोई खतरा नहीं है रहता है। फ्लिपटॉप जो ढक्कन होते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसी है। ये देखिए, जो मतलब जो मॉइस्चराइज़र होते हैं आमतौर से वैसी ही है ये, ज़्यादा इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है। SPF 15 है, तो सन से कुछ आपको राहत दे सकती है, आपकी जो यूवी किरणें, सन की जो हार्मफुल जो किरणें होती हैं उनसे आपको राहत दे सकती है, उनसे प्रोटेक्ट कर सकती है। आपको जो टैनिंग की प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा है तो टैनिंग की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देने में हेल्प कर सकता है कुछ हद तक, क्योंकि इसमें SPF 15 है। SPF 30 अगर आपको मिलता है मार्केट से तो मैं यही सलाह दूंगा SPF 13 या फिर 30 या फिर 30 मोर देन 30 आप यूज़ करें तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एंड तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं इसको, तो आप इसको मार्केट से इजीली आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से इसकी आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। एंड इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आप, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और भी दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने घर के आसपास सफाई रखिए। मैं तरुण हाजिर हूँगा एक बार फिर से आपके सामने एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।